गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सब लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ यार, मज़े में हूँ। आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज दिन है ट्यूसडे और मैं फ़िलहाल बना रही हूँ आज बैगन, भरमा बैगन। तो उसी के लिए ना बैगन को पहले मैंने तेल में अच्छी तरह से भून रही हूँ और इसी साइड में मैंने रख दिया पास्ता बनने के लिए। मैंने सोचा यार ये भी बॉईल हो जाएगा इतने जितने बैगन हो रहे हैं। और बैगन भुनने के बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया, अच्छी तरह तेल में भून लिया। एक्चुअली क्या है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब बैगन भून के बनाओ ना, मतलब कोई भी सब्ज़ी थोड़ा सा तल के बनाओ ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सोचा चलो यार तल के बनाते हैं आज। तो बस इसी बीच मैंने जो है टमाटर प्याज वगैरह ये सब जो होता है ना मसाला, ये सब भी कट कर लिया था। मसाला कह रही हूँ, वेजिटेबल जो होते हैं ये भी कट कर लिए थे। और बस उसको निकालने के बाद मैं पहले छौंक रही हूँ मम्मी के लिए बिना प्याज वाले, क्योंकि टाइम है अभी मेरे पास। मॉर्निंग में ही उठ गई थी तो मैंने कहा चलो मम्मी के ही बना ही देती हूँ साथ के साथ, फिर बाद में कढ़ाई वढ़ाई धोनी पड़ती है उसके बाद बनाना होता है। तो फिर इसलिए मैं पहले मम्मी की छौंक रही हूँ बिना प्याज वाले नॉर्मल। उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, सारे मसाले डाल दिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला जो अच्छी तरह से भुन जाए। उसके बाद थोड़े से बैंगन डाल दिए क्योंकि मम्मी वैसे बैंगन कम खाती हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए बस ये थोड़ी सी सब्ज़ी जो है मम्मी के लिए रेडी हो जाएगी। और चाय बनने के लिए रख दी थी मैंने साइड में, तो चाय भी बॉईल हो रही है। आटा छान लिया बट आटा भी गूंथा नहीं है। मैंने सोचा यार पहले सब्ज़ी अच्छी तरह से बना लेते हैं उसके बाद आटे में लगेंगे, क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं ना आटे से, फिर बीच में तो एकदम से चला नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो पास्ता भी बॉईल होकर रेडी हो गया है। मैं सोच रही हूँ आज ना पास्ता रख दूँगी जीनू के लिए लंच में और हस्बैंड भी खा लेंगे। काफ़ी टाइम बाद बनाऊँगी आज मैं पास्ता, काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था। और प्याज टमाटर ना मैंने दोनों कट कर लिए थे पास्ते के लिए एक साथ ही, तो थोड़ा प्याज तो मैंने उसमें डाल दिया है और थोड़ा प्याज जो है बचा लिया पास्ते के लिए, उसमें ऐड कर दूंगी। और इतने चाय में दूध डाल दिया था और इसी बीच जो है हमारा प्याज भुन के एकदम रेडी हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए सारे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी और सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर अगर नहीं भी डालते ना तब भी चलता, बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर बस ये मसाला हल्का सा भुन जाएगा 5 मिनट में, उसके बाद फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया ताकि कलर जो है वो एकदम से अच्छा सा आ जाए। तो अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने सोचा यार पहले बचा लूँ, मतलब पट के ना टमाटर ज़्यादा नहीं थे तो मैंने कहा चलो सारे ऐड कर देती हूँ इसमें, क्योंकि बैंगन थोड़े से खट्टे हो जाए तभी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें सारे टमाटर फिर डाल दिए और पास्ते के लिए टमाटर फिर मैं और कट कर लूँगी। वैसे भी ये चॉप किए थे ना तो बहुत वैसे हो गए थे, जूसी वाले हो गए थे, तो मैंने कहा चलो सारे डाल देती हूँ। तो यहाँ जो है मसाला भुन रहा है, थोड़ा पानी ऐड कर दिया मैंने। जब तक ये मसाला भुन रहा है उतनी देर में सोचा चलो यार रोटी सेक लेते हैं। तो पहली रोटी जो है वो गाय की निकलती है हमारे, तो बस वही रोटी सेक रही हूँ। और जब यार मसाले ने तेल छोड़ दिया तो मैंने इसमें डाल दिए बैंगन। अब बैंगन को थोड़ी देर में पकाऊंगी और ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाए बैंगन में, अंदर तक चला जाए। तो ये देखो हमारे यम्मी से जो है भरवा बैंगन रेडी हो चुके हैं बनके, और रोटी सेक चुकी है लंच के लिए और अभी सेक रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में पराठे। तो पराठे भी सीख ही चुके हैं, बस ये लास्ट रह गया है, इसको और सेक देती हूँ फिर नीचे चलते हैं पापा जी का खाना लेके, नाश्ता लेके और चल के करती हूँ मैं पूजा। उसके बाद फिर आके बनाऊंगी मैं पास्ता नाश्ते के लिए, जब तक हस्बैंड भी नहा लेंगे उसके बाद ही बनाऊंगी। इनका लंच बॉक्स भी मैंने पैक ही कर दिया था, बस उसमें रखना रह गया था बॉक्स में, और रायता जो है वो बाद में रेडी करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और यार मौसम ने एकदम से चेंज हो गया था, मतलब धूप चली गई थी और हवा चल रही थी बड़ी प्यारी, पूरे दिन ही हवा चली, आज बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो बस वही देख रही थी मैं। और पूजा करके आ चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ पास्ता। सब कुछ डाल दिया मैंने, वेजिटेबल्स कट कर लिए थे, प्याज टमाटर शिमला मिर्च और गाजर, तो ये सब कट करके चॉप करके इसमें डाल दिया पास्ता। और ज़्यादा मिर्च तो नहीं डालूंगी बट हाँ थोड़ी मिर्च तो मैं ऐड करती ही करती हूँ, और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था बहुत ज़रा सा, ताकि ना थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आ जाए और जीनू को ना खाने में अच्छा लगे, तो मेनली तो उसी के लिए किया था मैंने, और पास्ता भी अच्छी तरह से पक जाएगा उसमें। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया सेज़वान सॉस थोड़ी सी, और मिर्च यार मैं डालती हूँ क्योंकि जीनू को मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ी मिर्च खिलाई है। बिल्कुल ना मिर्च खिलाओ ना तो बच्चे फिर बाद में परेशान करते हैं, उनके लिए फिर बिल्कुल नमकीन खाना अलग से बनाना पड़ता है, तो इसलिए मिर्च स्टार्टिंग से थोड़ी सी तो ज़रूर खिलानी चाहिए। तो मैं इसको खिलाती हूँ तो वो खा लेती है वैसे भी,
तो इसलिए, और पास्ता तो उसका फेवरेट हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा पैक कर दिया, पहले उसको खिला के दिखा दिया, उनका खा तो लेगी ना तो उसको अच्छा लगा, तो फिर मैंने पैक कर दिया और फ्रूट्स काट दिए, अमरूद थोड़ा सा काट दिया, थोड़ा सा एप्पल काट दिया, उसमें ना हल्का सा नमक मिला दिया था क्योंकि नमक वमक डाल दो ना तो वो अच्छे तरीके से खा लेती है। तो बस मैडम का लंच बॉक्स रेडी हो गया है और जीनू मैडम भी रेडी हो गई हैं, एक्चुअली थोड़ा सा लेट ही उठी थी आज ये, तो मैंने फटाफट से इसको उठाया, लंच बॉक्स रेडी करके फ्रेश करवाया, फिर नहाई धोई है और रेडी हो चुकी है निकलने के लिए, और इनके जो पापा जी हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, और दोनों का लंच बॉक्स तो रेडी कर ही दिया था मैंने, रायता भी, रायता एक्चुअली फ्रिज में रखा था तो बस हस्बैंड से वही मांग रही थी कि रायता भी रख लो, एप्पल रख दिया इनके लिए। और जीनू पता है अपना लंच बॉक्स एक बार खोल के ज़रूर देखती है, चाहे उसे पता है कि क्या रखा है फिर भी खोल के ज़रूर देखेगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा हो ना तो वो निकलवा के जाती है। तो बस यहाँ पे आज वो जा रही है बाइक से, हस्बैंड बाइक से छोड़ देंगे उसको, पास में है तो छोड़ देंगे, फिर ऑफिस निकल जाएंगे वहीं से, तो मैं नीचे तक छोड़ने चली गई थी उसको, और बैग वो मुझे दे ही नहीं रही थी, मैंने कितना बोला जीनू बैग दे दो, बट बैग जो है खुद ही टांग के गई है मैडम, मन के ऊपर है अपने बच्चों के, कभी कभार तो बैग लेती नहीं है, कभी छोड़ती नहीं है बैग की, हाँ मम्मा मैं ये हैंग करूँगी, तो फिर चलो फिर वो ये दोनों चले गए हस्बैंड और जीनू, उसके बाद फिर मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया और उसके बाद लग चुकी हूँ मैं साफ सफाई में, ये तो मैं डेली मतलब डेली क्या दो तीन दिन में क्लीन कर ही देती हूँ, बेड गंदा होता है तो मोस्टली हो ही जाता है, क्योंकि जीनू ना कलर वगैरह भी कई बार चला देती है, कलर इधर उधर फेंक देती है, काफ़ी टॉयज जो उसके कोने में डले हुए मिलते हैं तो सफाई करना तो लाजमी हो जाता है क्योंकि कोने में सफाई ना करो तो यार बात नहीं बनती, क्योंकि बच्चा ना वहीं जाके बैठता है, मोस्टली डेली का रूटीन है उसका वहीं जाके बैठती है। और कुशन कवर भी मैंने चेंज कर दिए थे, मशीन में डाल दिए हैं, मशीन भी चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, तो मैं सोचा चलो यार इन पर चढ़ा देती हूँ, और एनिमल्स वाले निकाल दिए कुशन कवर मैंने आज, बर्ड्स वाले एनिमल्स वाले मैंने काफ़ी टाइम से ना चढ़ाए भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो यार यही कर देती हूँ। और पोछा लगाने जा ही रही थी, इतने गेट पे कपड़े टंगे थे कुछ, जो कि हमेशा ऐसे ही हो ही जाता है, मैं साफ़ करती हूँ फिर कपड़े हैंग हो ही जाते हैं वहाँ पे, तो बस वही उठा के रख रही थी हस्बैंड के, उनका चलो इनके अलमारी में रख देती हूँ, और प्रेस भी करनी मुझे इनके कपड़ों पे, जो कि मैंने कर नहीं पाई है काफ़ी टाइम से, तो प्रेस व्रेस करके रख दूँगी सारे कपड़े एक साथ। और यहाँ की क्लीनिंग तो हो चुकी है, बाकी तो मैंने कर ही लिया था, आपको ब्लॉग दिखाया भी था, बाकी क्लीनिंग तो हो गई थी मेरी, तो इतना गंदा नहीं था, बट जो मेन चीज़ें होती है ना सामने जो फ्रंट में दिखाई देती है उनको तो मैं डेली कपड़ा मार ही देती हूँ, क्योंकि वही देखने में यार अच्छी नहीं लगती, सामने कोई आया ना तो धूल मिट्टी देखती है तो अच्छी नहीं लगती। और इतने में बाहर आपको दिख रहा होगा हमारी हाउस हेल्पर है जो कि जीने में पोछा लगाती हैं, तो ये भी आ गई थी, तो मैं इनसे पूछ रही थी इनको ऊपर कहीं कबूतर तो नहीं आए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कबूतर ने आना स्टार्ट कर दिया है 2-4 दिन से, तो वही बस क्योंकि वो आते हैं ना यार तो अंडा अंडा देने का बहुत सीन रहता है, क्योंकि फिर ना आदत बन जाती है उनके अंदर, आते हैं फिर गंदा करते हैं और अंडा देते हैं, फिर अंडा हटा भी नहीं सकते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है, तो अभी आना स्टार्ट हो गया, पहले क्या था ना उनको छिड़क देते थे मिट्टी का तेल वगैरह, तो ऐसे कुछ स्मेल वाली चीज़ छिड़क दो ना तो कबूतर ऐसा हमने देखा है कि वो आते नहीं हैं, तो बट अब कुछ टाइम से फिर उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, तो वही पूछ रही थी शीतल से मैंने कहा ऊपर कहीं बैठे तो नहीं है, तो बता रही थी कि भाभी भगा दिए हैं। और यहाँ देखो फ्रिज भी क्लीन हो चुका है, वैसे तो मैंने कर दिया था कुछ टाइम पहले बट फिर भी ऊपर से ना गंदा हो गया था, तो वही साफ कर दिया है फिलहाल। क्या हुआ देखिए क्या जी? हाँ। जी आप बताओ जी क्या है? डॉगी है। डॉगी है? डॉगी है, कुशन डॉगी वाले कुशन है, लाओ मैं उतार दूं, आपको अच्छे लगते हैं वाले? वो वाला वो यूट्यूब वाला मैंने धो दिया है अभी, गाना चला था? गाना नहीं चलाया मैं आ गया तो गाना नहीं चलाया छाला, तो आप चला लो, कौन सा चलाना है बताओ? गाना कौन सा होता है अच्छा वाला बताओ, पहले कपड़े तो उतार लो, सांस तो ले लो, गाने की अम्मा लंच खा लिया? हाँ। तो तू 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 खत्म कर दिया सारा, फिनिश कर दिया, अरे वाह, पास्ता भी खा लिया, मिर्ची तो नहीं लगी? अरे वाह, नहीं तो नहीं, मैं पानी पी लिया था, पानी पी लिया था अभी, और आपकी फ्रूट ही रह गई आज, अभी ला रही हूँ पी लेना, ठीक है? स्कूल में लेके नहीं गया, मैं कोई याद ही नहीं रहा, भूल गया मैं। भाई जीनू मैडम आ गई स्कूल से और मेरा काम देखो अब खत्म हो गया आज,
12 बजने वाले हैं, 12:15 हैं। आज साफ सफाई में थोड़ा सा लग गई थी क्योंकि उस दिन करी थी, उस दिन के अलावा भी थोड़ा बहुत रह गया था, फ्रिज वगैरह रह गया था साफ करने को, तो फिर वो नहीं किया था मैंने उस दिन, तो वो आज क्लीन करा। और कपड़ा वपड़ा तो मारना ही पड़ता है डेली, तो ऐसे साफ सफाई करो ना टाइम लग ही जाता है। वैसे झाड़ू पोछा करना हो तो यार 15 मिनट लगते हैं, बट ठीक से करो ना सब कुछ साफ करो तो फिर फर्नीचर वगैरह तो फिर टाइम लग जाता है। खाना पीना तो खैर सब हो गया है, मतलब मम्मी ने भी लंच कर लिया है, बस मैं रह गई हूँ और जीनू रह गई है। जीनू लंच करेगी मम्मा के साथ, रोटी खाएगी और के कपड़े कर देती हूँ चेंज। और मुझे ना अभी एक कॉकरोच दिखा था पोछा लगाते टाइम, हाँ तबड़ा कॉकरोच था पता नहीं कहाँ से आ गया, तो मैंने अभी ना हिट छिड़का है पूरे बाहर, मतलब स्मेल आ गई है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। मुझे ना स्मेल चढ़ जाती है एकदम, मच्छर वाला हिट जो होता है उससे तो और ज़्यादा हो जाती है, कॉकरोच वाले से फिर भी इतनी नहीं होती, मच्छर वाला तो और ज़्यादा, मतलब जब मैं नीचे जाती हूँ ना तब हस्बैंड छिड़क देते हैं। चलो यार इसके कपड़े वपड़े चेंज कर देते हैं और जीनू का देखते हैं होमवर्क क्या करके आई क्लास में और क्या मिला इसको घर के लिए। ये देखो ये देखो ये हाल होता है, साफ सफाई करो। साफ सफाई नहीं होती तो मेरा पंखा ठीक नहीं है। ये हाल होता है बेड का, अभी आ गई है ना पूरा बेड बिखेर देगी, अभी कलर निकालेगी सारे कलर बिखेर देगी। आपने रात में बिखेरे थे, मैंने सारे उठा के रखे और सब खो जाएंगे फिर एक एक करके ऐसे। और चलिए दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।